snack. Hello guys. Happy Diwali. Happy Diwali guys. और हम लोग ऊपर जाते हैं मंदिर. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ. तो आज है हैप्पी दिवाली. तो आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और अभी हमारे यहाँ पूजा हो रही है. ऑल ऑफ़ यू सभी को हैप्पी दिवाली. आप लोगों की हर इच्छाएं पूरी हो और अच्छे से हैप्पी दिवाली मनाइए. दिवाली को इंजॉय कीजिए. और अभी हमारे यहाँ पूजा की तैयारी हो रही है. तो मैं अभी मंदिर के सामने इधर पे ऐसे थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी. तो ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, वो मेरे पापा जी बैठे हुए हैं. तो बस यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पूजा. तो थोड़ा सा पूजा डिले हो रहा था, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ. और आप लोगों की दिवाली कैसी रही ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा. छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ. आई होप सो आप लोगों को पसंद आए ये ब्लॉग. और बस इसी तरह से इन्जॉय किया है हम लोगों ने, हल्का फुल्का ही, ज़्यादा कुछ नहीं किया है. तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो रही थी धीरे धीरे. और पटाखे वगैरह नहीं मिले हैं हमारे यहाँ पर. आप लोगों के यहाँ मिले हैं क्या? यहाँ पर तो बैन लगा हुआ था. तो ये देखिए मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ. और हम लोगों की ये देखिए मैं तैयार हूँ. और मैंने ये दुपट्टा ही डाल लिया था. और वो वाला जो सूट पहना था ना करवा चौथ पर, तो वही सूट मैंने इधर पर पहन लिया है. और पहने हुई हूँ क्योंकि ये नया ही था, बस उसके लिए मैंने लिया हुआ था. तो ये मेरा बेटा है. और इधर देखिए शुरू कर दिया है पूजा. आप लोग भी पूजा में शामिल हो जाइए और शंख की आवाज़ भी सुन लीजिए. हम लोगों के यहाँ शंख बजता है, तो अब सुनिएगा. आप लोगों ने देखा संग बज चुका है. तो अब हो रही है हमारे यहाँ आरती वगैरह भी क्लियर हो रही है. आरती कर रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पर फूल वगैरह ले लिए हाथों में और अब आरती करेंगे. तो बस पापा यहाँ पर आरती वगैरह पढ़ रहे थे. तो हम लोगों के इस तरह से पूजा होती है. आप लोगों के सब के अलग अलग रिचुअल्स की तरह से पूजा होती है. तो बस हमारे यहाँ तो मैं फ्लावर दिखा रही थी कि गेंदे के फूल मैंने लिए हुए हूँ. और जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी, आरती कंप्लीट हो जाएगी, तब वहाँ पर मैं हम लोग अर्पित कर देते हैं फूल को. तो बस इसी तरह से हमारे यहाँ छोटी सी पूजा थी. ज़्यादा आप लोगों के किस तरह से होती है ज़रूर बताइएगा मुझे. अब मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो आप लोग. तो बस यहाँ पर थोड़ा सा रह ही जाता ना कुछ ना कुछ कमी. और आई होप सो अगली पूजा आप लोग के साथ और अच्छे से मनाऊँ. यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट डाल रही थी, थोड़ा सा अच्छा ही था इस बार भी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ज़्यादा अच्छा नहीं मना पाए. दिवाली का जो सेलिब्रेशन होता है उस तरह से नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा कम था लेकिन ठीक था. तो यहाँ पर अब मैं पूजा कर रही हूँ और सब लोग धीरे धीरे अलग अलग पूजा कर रहे हैं. तो मम्मी पापा पूजा कर चुके हैं, यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ. क्योंकि मेरा मंदिर जो है ना वो छोटा है, तो पूरा हम लोग सभी लोग नहीं बैठ पाते हैं. तो एक एक दो दो करके ही हम लोग आरती वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर. और यहाँ मेरे बेटे ने ले लिया है, तो बेटा भी मेरे पास ही बैठा हुआ था. तो बस अब वो भी आरती कर लेगा और इसी तरह से ही आरती कर रहा है. और आप लोग पटाखे वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं फोड़े हैं, जैसे कि अभी दिखाऊंगी. और मैंने आप लोगों के साथ ज़्यादा कुछ भी शेयर नहीं किया, बस छोटा सा ऐसे ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आप लोग कहते हो नहीं तो ब्लॉग नहीं शेयर किया आप लोगों ने. आपने करवा चौथ वाला भी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी. तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं और बस हम लोगों की पूजा हो गई है. तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, फिर थोड़े दिए वगैरह जलाएंगे. और इस तरह से लाइटिंग की हुई है, तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को. और ज़्यादा नहीं किया, ये मंदिर के सामने का ही एरिया है जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ. और बस छोटी सी रंगोली बनाई थी, मुझे आती तो नहीं है बट थोड़ा सा बना लिया ऐसे ही. तो यहाँ पर मेरा बेटा बोल रहा था मुझे प्रसाद दो दादी के साथ, दादी से बोल रहा है, तो दादी वही प्रसाद दे रही है उसको. और अब मैं नीचे आ जाऊँगी. या हम लोग नीचे आ गए तो प्रसाद वगैरह खा रहे हैं. तो मेरे हस्बैंड मुझे खिला रहे थे प्रसाद. तो बस यहाँ पर हम लोग सब दिया वगैरह लगा रहे हैं, तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को. इस तरह से दिए लगाए हैं और थोड़ा पेपर रख देते हैं तो तेल नहीं बहता है इस वजह से. और
इस बार बस ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं हल्का सा, और ज़्यादा यहाँ पर पटाखे वगैरह नहीं मिले तो बच्चों को थोड़ा सा कम लग रहा था कि क्या है, कुछ है ही नहीं, पटाखे वगैरह तो फोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जहाँ से मिल रहे थे वहाँ से कलेक्ट कर रहे थे हम लोग पटाखे वगैरह। तो यहाँ पर मैं दिए लगा रही हूँ, और ये थोड़ा सा इस तरह से वीडियो शूट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे थे, तो यहाँ वहाँ देख सकते हो आप दिया दिखा रहे हैं, वो कुछ बात कर रहे होंगे इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। और मैं बोल रही थी यहाँ तक दिखाइए, तो अब मैं दिखूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सारे दिए मैं लगाती हूँ, यहाँ पर आ रही थी। तो यही है छोटू सा घर हमारा, और वहाँ पर बस इस तरह से लाइटिंग वगैरह की हुई है। और मैंने ना दुपट्टा चेंज कर लिया था क्योंकि वो बहुत लंबा था, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि बनारसी दुपट्टा है यार, थोड़ा सा हटा के रख दिया था। और यहाँ पर वो जल्दी थोड़ी सी क्लिप बना दिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता नहीं तो वीडियो, और फिर आप लोग इन्जॉय नहीं करते। तो वंस अगेन आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और अच्छे से आप लोगों ने भी, आई होप सो आप सभी लोगों ने अच्छे से मनाई होगी दिवाली। और आप लोगों की दिवाली कैसी रही ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरा बेटा पटाखे फोड़ रहा है, तो आपको दिखाऊंगी कहाँ गया है ये जो फोड़ रहा था, क्या हाँ रॉकेट उसने फोड़ा, तो यहाँ गाड़ी के पास चला गया, गाड़ी के नीचे घुस गया। वही मैं शूट कर रही थी, तो मैं कह रही थी अरे बाप रे गाड़ी के नीचे घुस गया, पता नहीं क्या होगा, बट वो फूट गया। ज़्यादा वैसा वाला नहीं था सिर्फ, लेकिन चिंगारी तो होती है ना, इस वजह से थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ मेरा बेटा बात कर रहा है हम लोगों से, हम लोग कह रहे हैं और मत फोड़ो अभी अकेले हो, तो हम लोग भी दिए वगैरह लगा के फोड़ने स्टार्ट करने वाले थे, बट इतना नहीं था, बच्चे ही फोड़ लें वो ज़्यादा बेहतर है। पर धीरे धीरे आप लोग देखिएगा, अब मैं बोलूँगी नहीं, आप लोग खुद देख सकते हो किस तरह से हम लोग दिवाली मना रहे हैं, और आप लोग देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट ईयर देखते हैं कैसी दिवाली होती है और कैसी मना पाते हैं। आई होप सो अच्छी हो, और नेक्स्ट ईयर में देखेंगे तो पता नहीं कैसा, इस साल तो अच्छा ही रहा, अगले साल और अच्छा हो भगवान करे, लक्ष्मी जी ने चाहा तो अच्छा ही होगा। तो ये देखिए ये वाला भी इसके नीचे ही चला गया, गाड़ी के नीचे। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। हैप्पी दिवाली सबको मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, शी इज माय स्वीट बॉय। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे पटाखे फोड़ रहे हैं मेरे बेटा और उसके फ्रेंड्स वगैरह। यहाँ पर ये देखिए हम लोग भी नीचे आ गए हैं, और यहाँ पर हम लोग पटाखे वगैरह फुलझड़ी वगैरह छोड़ रहे थे, क्योंकि फुलझड़ियाँ ही थी, पटाखे वगैरह नहीं थे। मेरे बेटे ने थोड़े से पटाखे थे तो वो फोड़ दिए। तो बस यहाँ पर गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा निकलती है ना, तो कुछ भी नहीं सूझता है। यहाँ पर मेरी मम्मी और मैं और पापा सब लोग, हम लोग नीचे ही थे, तो बस यहाँ पर ऐसे ही जला रहे हैं जल्दी जल्दी से। छोटा ही छोटा मेला जो जो मेला है उसी तरह से इंजॉय कर लिया है, बस यही है। और क्या, इस साल दिवाली अच्छी रही, बट इतनी अच्छी नहीं रही, बट ठीक है कोई बात नहीं, हर टाइम को एंजॉय करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छा नहीं हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जितना भी होता है उतना अच्छा ही होता है। तो ये देखिए मेरा बेटा, और वो भी जला रहा है, उसका तो कभी कम होता ही नहीं है, उसको तो हमेशा ही अच्छे से एंजॉय करना है बस, और कुछ नहीं, उसको तो जलाना ही जलाना है। अभी भी मेरे पास ही बैठा है, और यहाँ पर शैतान है मेरा बेटा,
ये देखो मेरा बेबी, ये मेरे हस्बैंड हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू।